नमस्कार प्रणाम, मैं हूं विकी जॉन और आज हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर से पंडित श्री विनय पाठक जी, जो कि हमें छठ के महत्व के बारे में बताएंगे। तो हम सबसे पहले आइए बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे इस बार का जो छठ पर्व है उसका सही समय, तिथि सब आप बताएं। देखिए, 31 तारीख को नहा खाए हैं, 1 तारीख को खरना है और 2 तारीख को संध्या 5 बजे से पहले माने 4:30 और 5 के बीच में संध्या अर्थ पड़ेगा और 3 तारीख को सुबह 6 बजे के बाद 6:02 पर सूर्योदय होगा मुजफ्फरपुर में। ये मैं उदय और अस्त बता रहा हूँ मुजफ्फरपुर का। तो मुजफ्फरपुर में 6:02 पर सूर्योदय होगा 3 तारीख को, संध्या सुबह का अर्ध उसी दिन पड़ेगा, उसके पारण होगा। ये 4 दिवसीय छठ है और इसकी जो शुरुआत हुई कैयक कथाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में आई हैं। एक है जो पांडव लोग भी जब वन में थे और अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए, तो फिर उस समय पांचाली जो थी वो उस छठ को शुरू किए की और उसके बाद ये परंपरा चलाया। दूसरा परंपरा ये है कि कार्तिकीय का जन्म कार्तिक मास में हुआ था और सूर्य इस समय अपने जो सबसे शुरुआती होता है, जिस मध्यम हो जाना, सूर्य अपने रोशनी से मध्यम हो जाते हैं, अपने प्रताप से मध्यम हो जाते हैं, तो वो होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें इनकी उपासना की जरूरत पड़ जाती है, क्या है? ताकि इनकी शक्ति क्षीण ना हो। तो इसलिए कार्तिक महीने में कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसी कारण से छठी मैया जो कहा गया है। तो 6 कृतिकाएँ थी और 6 कृतिकाएँ कार्तिक को पाली, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा और कार्तिक मास पड़ा और उसी समय सूर्य का अर्घ दे के और सूर्य की उपासना शुरू की गई। इसकी उपासना हमारे धर्म शास्त्रों में मत्स्य पुराण में भी आता है, सांब पुराण में भी आता है सूर्य की महत्ता और सूर्य की उपासना के बारे में। और ख़ासकर जहानाबाद में, जहाँ आज से कई 5-7 साल पहले विश्व के सारे वैज्ञानिक वहाँ जुटे थे जब सूर्य ग्रहण लगा था और वहाँ सबसे बड़े, तो वहाँ सूर्य की मंदिर भी है और इसमें जो सूर्य की पूजक होते हैं, जो सूर्य के वंश है, तो उसमें शाकदवी ब्राह्मणों का ज़्यादा इसमें महत्व आया। खैर, ये कौन ब्राह्मण से कोई महत्व नहीं रखता। बात यह है, छठ व्रत कैसे कहते हैं कि इसमें हर चीज़ नया होता है, जैसे कि चूल्हा नया होता है, मिट्टी का चूल्हा, आम की लकड़ी पर खाना बनाना होता है, जो गेहूं पिसाता है थोड़ा सा मोटा पिसाता है, जाके ठेकुआ बने, ठेकुआ का भी एक अलग महत्व। उसमें वैज्ञानिक को जो अन्न जब मोटा होता है तो शरीर में जब जाता है, जैसे कि माघ के महीने में तिल खाना अत्यावश्यक होता है, उसमें भी सूर्य की उपासना होती है। माघ के महीने में माघ स्नान होता है, कार्तिक स्नान होता है, माघ स्नान होता है, दो स्नान पूरे साल में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस माह में ठेकुआ भी वैज्ञानिक कारण है, ठेकुआ ऐसे ही नहीं बनाया जाता। ये लोग ये नहीं है जो बिहार के रहने वाले हैं तो ठेकुआ खाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठेकुआ का एक अलग महत्व, वैज्ञानिक महत्व है उसका, विज्ञान में बोलता महत्व, जब पेट के और शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो कभी गर्म भी होता है ठेकुआ। तो अभी शरद ऋतु आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा गर्म चाहिए और इसी कारण से ठेकुआ का महत्व। इसमें गागल नींबू का महत्व होता है, अदरक का महत्व होता है, हल्दी का, जो पत्ते वाले सबका, नारियल का महत्व होता है। फिर हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें जल्दी नहीं मिलती हैं, सुथनी साठी का चावल, गुड़, घी, इस सब का महत्व होता है हमारे यहाँ। और एक यही पर्व है जिसमें न जाति होती है न धर्म होता है, एक घाट पे ब्राह्मण होता या किसी दूसरा कोई जात होता, सब कोई मिलके एक दूसरे के साथ निभाते हुए अर्ध देते हैं, एक दूसरे के अर्ध पर जल और दूध डालते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनका वो टोकरी जो होता है, ढकिया जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ की भाषा में, उसको उसके सर पे उठा के रखते हैं, उसको उसके सर पे उठा के रखते हैं, उसका अर्ध वो उठा के दिया। तो इसमें हमारा सारा जो है जाति और धर्म एक हो जाता है और इसमें सबकी महत्ता बढ़ जाती है। इसमें दर्जी कपड़ा सिलता है नया, वो भी पहनना है, जो डोम होते हैं उनके यहाँ से आपका ये आता है, मैंने
सूप और दौरा बन के आता है उसमें अर्घ पड़ता है। नहीं तो हमारे यहाँ छठ ही एक ऐसा व्रत है जहाँ सारी सीमाओं को तोड़ दिया जाता है, सारी बंधनों को तोड़कर सब एक हो जाते हैं, कोई जाति नहीं होती है, सिर्फ एक ही धर्म होता है, छठ मनाना, सूर्य की पूजा करना, सूर्य की उपासना करना। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया छठ के महत्व के बारे में, और साथ में हमने ये भी सुना कि छठ के महत्व को जो आंका गया वो सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी, और छठ में जो भी हम करते हैं खाने से लेकर पहनने तक जो भी है सबके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि छठ के केंद्रीय देवता भगवान भास्कर है, फिर भी अधिकांशतः गीत छठी मैया के ऊपर है, तो छठी मैया कौन है और सूर्य देवता से इनका क्या संबंध है? देखिए मैं आपको पहले बता दूं, छठी मैया गीत तो मैंने कहा है, छठी मैया किसको कहते हैं? छह कृतिकाओं को, जिसने कार्तिक को पाला। तो आप देखते होंगे जिसमें खरना होता है तो खरना में 6 जगह या 7 जगह या 8 जगह वो पूरी और खीर बना के उस पर केला, उस पर नींबू, उस पर सेब रखा जाता है और उसी वही प्रसाद हो जाता है वो। नहीं तो वो 6 कृतिकाओं की पूजा होती है, उसी को छठी मैया कहते हैं। ऐसे जब से कि हम लोग जन्म जब होता है तो सनातन धर्म में छठी पूजन होता है। छठी लेकिन लड़किया की छठी पूजा लाई, यहाँ की भाषा में बोल रहा हूँ, छठी पूजा है कि नहीं पूजा है, तो छठी पूजना वही छठी आप देखेंगे जब खरना होता है तो उसी तरह से लोग पूछता है जिस तरह छठी पूजा होता है, उसी ढंग से लोग पूछता है, इसीलिए उसको छठी मैया कहते हैं। तो हमने जाना कि छठी मैया कौन है और इनका सूर्य देवता से क्या संबंध है। तो अगला हम जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं छठ पर्व को कृषि से जोड़ा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व कृषि से संबंधित है, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप छठ का कभी अर्थ देखा है? अगर देखे होंगे छठ के अर्थ में तो उसमें कृषि ही प्रधान होता है जी। नदी, पोखर, तालाब ये हो जाता है। उसके बाद उसमें देखेंगे जी गेहूँ, साठी का चावल, नींबू, सेव, मूली, अदरक, हल्दी, साठी का चावल, सुथनी जो बहुत कम मिलता है वो, अरबी, गागल नींबू, ये सारी चीज़ लगभग 15 से 16 से 17 सामान उसमें दिया जाता है। उसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये संध्या जब अर्ध होता है तो उसमें जल देते हैं, जल का ही महत्व है जी। और जब सुबह का जो अर्ध होता है उसमें गाय का दूध से अर्ध देते हैं, नहीं तो उसका एक अलग महत्व है। तो हर चीज़ कृषि आप देखेंगे तो ऐसे भी हमारा भारत ही नहीं पूरे विश्व कृषि प्रधान है, कुछ विज्ञान प्रधान है। तो पहले जय जवान जय किसान था, आज भी वही चल रहा है, नहीं अब एक नया जुड़ गया जय विज्ञान। तो हमारा धर्म ही पूरा विज्ञान है। आप कभी भी जनेऊ धारण करते हैं उसका भी धर्म है, आप पूजा करते हैं किस ढंग से पूजा करेंगे, सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें भी विज्ञान है। तो हमारा धर्म विज्ञान पे ही आधारित है, और मेरा ही धर्म नहीं, लगभग जितने भी धर्म हैं सब विज्ञान पे ही आधारित हैं, सबका अलग अलग एक विज्ञान है और उसी हिसाब से लोग चलता है जी। तो हम कहेंगे जे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हम लोग कहते हैं धर्म को हम जो शास्त्र के ही नहीं जो समाज से विपरीत हो उसको हम लोग अधर्म कहते हैं। और हम लोग धर्म की क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता है, वायु प्रत्यक्ष है, जल प्रत्यक्ष है, नहीं तो चूंकि सूर्य ज़्यादा प्रतापी है और सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं इसलिए उनकी मान्यता राजा की मान्यता ज़्यादा होती है, इसलिए सूर्य की पूजा दो ही पूजा ज़्यादा हो जाती है सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य की पूजा कहाँ हो रही है? जल में जी, उपवास रहकर। चंद्रमा की पूजा कहाँ होती है? चंद्रमा पूजा जल में नहीं होती है, चंद्रमा की पूजा जल के किनारे होती है, जबकि जल तत्व है जी। चंद्रमा जल तत्व है और सूर्य अग्नि तत्व है, तो दोनों में अंतर है, लेकिन अग्नि तत्व जल में जाता है और जल तत्व किनारे आ जाता है। तो ये हमारी जितने भी धर्म की मान्यताएँ और विज्ञान है सब समाहित होती हैं और उसी अनुसार हम लोग चलते हैं, तो उसको सनातन धर्म कहें या जो भी धर्म मानने वाले हैं, सबका अपना अपना एक वैज्ञानिक और तथ्य होता है और सब में विज्ञान जुड़ा हुआ है। धर्म और विज्ञान दोनों पूरक हैं।
दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, एक आगे वाली पहिया, एक पीछे वाली पहिया, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि धर्म और विज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है, धर्म के बिना ना तो विज्ञान चल सकता है और ना ही विज्ञान के बिना धर्म। चलिए आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे पंडित जी से कि छठ पर्व को प्रतिहार षष्ठी क्यों कहा जाता है? देखिए कार्तिक मास में इसको मनाया जाता है जी, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का षष्ठी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों सूर्य की उपासना ही होती है, और चूंकि कार्तिक मास में छह कृतिकाएं कार्तिक की भी, और ऐसा भी आया है जो कार्तिक मास में ही सूर्य षष्ठी को पांडव लोग इस व्रत को शुरू किए थे, इस कारण से भी इसकी महत्व प्रतिहार चला आता है। ऐसे षष्ठी हर महीने आता है, सूर्य की सबसे ज़्यादा माने सूर्य सप्तमी होती है, भानु सप्तमी उसको कहते हैं, सप्तमी को उनका जन्मदिन है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक दिन पहले षष्ठी पड़ता है तो सूर्य की पूजा और माने छठी महीने जो कृतिकाएँ पूजा उनको दोनों को मान्यता लेकर चला जाता है, अलग अलग मान्यता है। इसलिए हम लोग भ्रमित ना हो इसलिए हम लोग इस ढंग से इसको लेके समझा के चलते हैं कि नहीं, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो देखा आपने पंडित जी ने जैसा कि बताया छठ के महत्व के बारे में, छठ के समय के बारे में, और छठ हमारा धर्म या फिर हमारा विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंडित श्री विनय पाठक जी का, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए मुजफ्फरपुर नाव से। धन्यवाद। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो मुजफ्फरपुर नाव के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को छठ की शुभकामनाएं और बाबा गरीबनाथ जी की तरफ से शुभ आशीर्वाद, और आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।